जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आपने ये थंबनेल देखी कि जो अपने पुरुषों परिचर की भर्ती है उसके ऑनलाइन आवेदन आज 13 तारीख से स्टार्ट होने थे, लेकिन किसी कारण से नहीं हुए। उसकी जो मेन न्यूज़ है वो भी आपने देख ली है, और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि क्या इस पर जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है इस पर भी कुछ इसका फर्क पड़ेगा कि उसका फिजिकल होगा कि नहीं होगा। इसके बारे में जो मेन न्यूज़ थी वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है, उसको भी अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर, मेन मेन जो चीज़ें होती उसी पर देते हैं। ये देखो अभी का जस्ट का नोटिफिकेशन है 13 अक्टूबर का, आज का ही अभी जस्ट जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उसी समय का ये नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा है बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग के लिए जो पशु परिचर की भर्ती आई थी उसको उक्त ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि को अपरिहार्य कारणों से एतद् द्वारा स्थगित किया गया है। कारण कौन से अपरिहार्य कारण नहीं बताया गया, किस कारण, वो कारण आपको मैं बताऊंगा किस कारण, कुछ कारणों से इसको स्थगित कर दिया है। और बाकी आपको ये भी चीज़ इसमें जो बाकी शेष प्रावधान जो इस भर्ती में, तो वो यथावत रहेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। यानी कि जी इसकी अप्रैल से जून तक जो एग्ज़ाम होने वाला था वो उसी टाइम पर होगा, और हम कभी अब बताते हैं इसका मेन कारण क्या हो सकता है और मेन चीज़ क्या, इसका जो मेन राजस्थान पुलिस की अपनी जो वैकेंसी है उसके फिजिकल आ रखे हैं उसमें भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेरे हिसाब से इस राजस्थान पुलिस की वैकेंसी पर भी पूरा पूरा इस पर फर्क पड़े। अगर इस वैकेंसी के जो फॉर्म भरने आज स्टार्ट होने थे उसको भी अगर चेंज कर दिया तो राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल डेट है, मेरे हिसाब से ये मेरा मानना, अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से वो भी स्थगित कन्फर्म होना है। अब इसका मेन कारण की बात करते हैं, मेन आपको पता है कि अभी राजस्थान में चल रही है अपने आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है 9 तारीख से आचार संहिता। इसका जो मेन अपरिहार्य कारण है वो है आचार संहिता। आचार संहिता में जितने भी गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं वो सारे के सारे कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी होते हैं, चाहे इस बोर्ड के कर्मचारी चाहे अन्य बोर्ड के कोई भी कर्मचारी, सारे के सारे कर्मचारी गवर्नमेंट के अधीन काम नहीं करते, वो चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। चुनाव आयोग ने बोला कि चुनाव आयोग का ऐसा मानना था, कहीं ना कहीं ऐसा मानना था कि इस वैकेंसी का अगर नोटिफिकेशन जो फॉर्म है नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म स्टार्ट होंगे तो किसी गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है, इसका युवाओं को क्रेज बढ़ सकता है, इस कारण इसको स्थगित कर दिया है। और जो अपनी पुलिस वाली वैकेंसी है अगर ये स्थगित है तो पुलिस वाली वैकेंसी भी स्थगित होगी, उसका भी फिजिकल मेरे हिसाब से चुनाव से पहले नहीं होना। तो ये नोटिफिकेशन था उसको टेलीग्राम पर डाल दिया है, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं है, बाकी जितने भी कार्रवाई थी वो यथावत रहेगी। यहाँ लिखा हुआ है यथावत, जो एग्जाम जब होना है वो, अब नई जो डेट है वो बस जल्दी इसकी वेबसाइट पर, इसी बोर्ड की जो वेबसाइट है इसी टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये थी न्यूज़ आज से, जो अपने पशु परिचर के फॉर्म है आज से नहीं भरे जाएंगे, लेकिन जो एग्जाम है वो उसी अप्रैल से जून के मध्य यानी लगभग मई में होना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।